हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? होप आप अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है रेजुलम के अंदर एडवांस मैपिंग के रिलेटेड है, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे कुछ एडवांस टिप्स जो कि एडवांस आउटपुट के अंदर जो आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करके जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग जो है वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आ गया हूँ यहाँ रेजुलम में, और यहाँ से मैं जो है लेआउट में जाकर इसको एक बार डिफॉल्ट कर लेता हूँ। राइट, तो मैंने एक ग्रिड बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, और आप भी उस टाइप का ग्रिड जो है आफ्टर इफेक्ट में या जो है दूसरा अपना रेजुलम के अंदर चेजर वगैरह यूज करके जो है आप बना सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, बहुत ही इजी है। और अगर उसके लिए आप मेरी वीडियोस देखना चाहें तो आप जो है चैनल पे जाकर वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर जो मैं साइज लेने जा रहा हूँ, जो ग्रिड बनाया है उसकी कंपोजिशन साइज बना लेते हैं पहले। तो यहाँ से मैं बनाता हूँ उसको 2400 एंड 960। मैंने इसी साइज के अंदर जो है ऑलरेडी ग्रिड बना के रखा हुआ है। तो चलिए यहाँ जाते हैं आउटपुट के अंदर। तो यहाँ पर मैं इसको न्यू कर लेता हूँ, या इनपुट है आउटपुट है आपके सामने, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ इनपुट में, तो यहाँ से मैं जो मैंने ऑलरेडी ग्रिड बनाया हुआ है उसको मैं लोड करता हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने रखा हुआ है लाइक दिस, और मैंने इसको लोड कर लिया। अब ये ग्रिड लोड हो गया है, लेकिन ये स्लाइस है, बट मुझे यहाँ स्लाइस नहीं चाहिए। उसका कारण है, देखिए यहाँ पर आप लेफ्ट और राइट के अंदर देख रहे होंगे कि ये कुछ सेवन टाइप का जो है वो बना हुआ है ऑलरेडी इस टाइप में। तो जब इस टाइप का जो भी अगर कंटेंट बनता है तो हम उसको एक ही स्लाइस बनाते हैं। तो उससे फायदा ये होता है कि हमें चेजर वगैरह यूज करते हैं जब, तो या उसका बॉर्डर वगैरह क्रिएट करते हैं, तो आउटलाइन क्रिएट करते हैं, तो उस समय हमें प्रॉब्लम नहीं आती। तो कैसे करेंगे उसको? तो यहाँ प्लस के आइकॉन पे जाते हैं। सबसे पहले यहां से मैं पॉलीगॉन टूल्स लेता हूँ, ठीक है। पॉलीगॉन टूल्स लिया और इसको करते हैं हम लोग जूम। तो कंट्रोल प्लस से आप जूम कर सकते हैं इसको। जितना जूम करके रखेंगे उतना ही आपके लिए ये बेस्ट है, ठीक है। मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। तो इस टाइप से आपने जूम कर लेना है इसको। अब सबसे पहले यहां से इसको सिलेक्ट करते हैं हम लोग। तो पॉलीगॉन टूल से मैं यहां से शुरू करता हूँ, ठीक है। जिस तरह हम लोग जो कटिंग करते हैं फेस, तो उसमें वैसे ही सेम टू सेम यहां पर करना है आपने, लाइक दिस और लाइक दिस। आराम से करें, जितना जूम होकर आप करेंगे तो उतना ही आपका जो है बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो आएगा, मे बी शायद, ठीक है। यहां तक हमने इसको कर लिया, ओके। और उसके बाद में जो है आप इनको जो है इनकी लाइंस जैसे इनको जो है एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं ऊपर नीचे है तो आप इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं। चलिए, एक पॉलीगॉन हमने यहाँ ले लिया। स्लाइस को मैं रिमूव कर देता हूँ, स्लाइस की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। तो एक लेफ्ट में लिया, एंड अभी जस्ट जैसे राइट में लेना है तो प्लस के आइकॉन पे चलते हैं और यहाँ पर एक और पॉलीगॉन लेते हैं। तो सिंपली यहाँ से आपका एंड पॉइंट, यहाँ से ये पॉइंट, और अगर ये काम आप स्लाइस से करते हो तो मे बी आपको दो स्लाइसें बननी पड़ती है, ठीक है। एक ही लेफ्ट और राइट की, और एक ऊपर से नीचे की स्लाइस, ठीक है। इस टाइप से जो क्या है हमने जो है दो स्लाइसें बना ली है। मैं इसको थोड़ा सा माइनस में करके प्रॉपर सेट कर लेते हैं, लेकिन लेफ्ट और राइट के अंदर दो स्लाइसें बन रही है, ठीक है। अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट के अंदर भी आपको सेम देखने को मिल जाएगा।
लेफ्ट एंड राइट की, देखिए एक ही स्लाइस कट के आई है यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट की। ओके, तो ये काम हो गया जो है पॉलीगॉन का। देन उसके बाद हम लोग जो है स्लाइसें बनाते हैं, क्योंकि ये जो बीच का पार्ट है वो सिंपल स्लाइस के अंदर जो है आपके बन जाएंगे। तो सिंपली यहां से करते हैं एक स्लाइस, स्लाइस ऐड इनपुट के अंदर। और सबसे पहले जो यहां पर देखिए 480 एंड 960, ये हमारी रेजुलेशन है सेंटर के स्क्रीन की। तो यहां से मैं क्या करता हूँ 480 एंड जो है 960 तो ऑलरेडी है 960, तो यहां पर मेरे एक सेंटर के अंदर एक स्लाइस बन गई। ओके, दूसरी स्लाइस चाहे तो आप इसकी कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर, अदरवाइज आप यहां से भी दूसरी स्लाइस ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर दूसरी स्लाइस का साइज है, यहां की बात करता हूं मैं तो 240 है एंड हाइट में आपका 840 है। तो यहां से मैं करता हूं 240 एंड यहां से कर देते हैं हम लोग इसको 840। एक विंग्स की स्लाइस बन गई, हम लोग यहां पर इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इसी को मैं राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट करके लेफ्ट और राइट में ले आता हूं, क्योंकि दोनों स्लाइस का साइज जो है वो सेम है। चलिए इसको जो है डुप्लीकेट करके इस ग्रीन वाले पे लेकर आते हैं, लेकिन ग्रीन वाले का साइज जो है वो 720 हाइट में है, तो यहां पर मैं 720 फिल करता हूं। ठीक है, एंड यहां से जो है इसको एडजस्ट कर लेते हैं लाइक दिस, डुप्लीकेट करते हैं। सेम मैं इसको लेकर चलता हूं इस येलो पे, क्योंकि दोनों का साइज दोनों का सेम है। चलिए अब लास्ट एंड फाइनल स्लाइस बचती है, इसको भी हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ पर, बट इसका स्लाइस जो है 360 × 600 है। तो यहां से हम लोग करते हैं 360 × 600। ठीक है, यहाँ पे तो ये स्लाइस हमारी यहाँ पर फिट आ गई है। डुप्लीकेट करते हैं इसको एंड गो टू यहाँ पे। चलिए तो हमारे पास दो पॉलीगॉन आ चुके हैं एंड उसके बाद यहां पर हमारी स्लाइसें आ चुकी है। ये स्लाइसों को सिलेक्ट करना है, पॉलीगॉन को सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, स्लाइसों को सिलेक्ट किया, देन उसके बाद में इन आउटपुट पे गए एंड यहां से मैं इसको कर देता हूं मैच आउटपुट शेप। तो जैसे ही मैच आउटपुट शेप किया तो सारी की सारी जो स्लाइसें हैं आपकी वो यहां पर आ गई है। ओके, कुछ इस टाइप से सारी की सारी स्लाइसें यहां पर बन चुकी है। ओके, चलिए ये सब करने के बाद में जो है हम लोग इसको सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद आप चाहे तो यहां से सोर्स में जाएं और यहां से सॉलिड कलर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इसका कलर हम लोग कुछ व्हाइट कर देते हैं लाइक दिस। अब अगर मैं चिजर इसको भी ये यूज करता हूं, देखते हैं चिजर ओपन करके CHAR। ठीक है, तो यहां से मैं चिजर को ओपन किया, यहाँ फाइल में जाके न्यू करते हैं। तो मेरे पास देखिए इसकी एक ही स्लाइस बनकर आई है, लेफ्ट एंड राइट की एक ही स्लाइस बन के आई है जो मैंने पॉलीगॉन से बनाई है। ओके, तो चलिए यहीं से सेंटर से शुरू करते हैं, इनको बंद करते हैं इन पर। यहाँ सेंटर में मैंने शुरू किया एक नंबर पे एंड दो नंबर पे मैंने किया ये और ये, थ्री नंबर पे मैंने किया ये और ये, और फोर्थ नंबर पे मैंने ये और ये, और फिफ्थ नंबर पर ये वाली स्लाइस एंड ये वाली स्लाइस, और सिक्स नंबर पे हम लोग सभी को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो सिक्स नंबर तक हमारा ये चला गया, तो इस मोड में एक बार सिक्स नंबर तक ही रखता हूं, देन उसके बाद प्ले करके देखते हैं कुछ ऐसा हमारा व्यू यहां पर आने वाला है। चलिए इसको मिनिमाइज करते हैं और लेकर आते हैं यहाँ कंपोजिशन के अंदर, और कंपोजिशन में लेकर आते हैं हम लोग चेजर को। तो इफेक्ट में अंदर जाते हैं ड्रॉप करने के बाद आप देखेंगे यहां से जो है स्टेप के ऊपर जाएंगे और यहां पर मैं इसको टाइमलाइन पे करता हूं। ठीक है, अभी देखो ये लेफ्ट एंड राइट का भी आपको जो है पूरा का पूरा पोर्शन ऐसा ही मिलेगा लाइक दिस। इस टाइप से जो है आप स्लाइसों का उसके अंदर चूज कर सकते हैं। सेकंड बात करेंगे जो है आउटलाइन की, तो मैं चीजों को बंद करता हूँ। ये चीजर जो आउटलाइन है
आपको इसके साथ ही आपको मिलता है, चेजर के साथ में इसी का पार्ट है। जैसे मैंने आउटलाइन के क्लिक किया तो देखेंगे ये स्लाइस जो है आपकी बिल्कुल परफेक्टली जो है इसी टाइप का बन चुकी है। ठीक है, इसमें भी आप जो है इसको एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, और एनिमेट कर सकते हैं लाइक दिस, और यहाँ से जो है इसको फेस के ऊपर जो है आप करना चाहें एनिमेट, इसको जो है सेम टाइम लाइन पे ये करें और इसकी स्पीड को जो है इंक्रीज कर सकते हैं लाइक, और कलर्स कलर जो चाहे आप यूज करना चाहें यहाँ पर यूज कर पाएंगे। तो इस टाइप से जो है आप किसी भी आउटपुट के अंदर जो है किसी टाइप का जो है एडिट कर सकते हैं जो स्लाइस है उसको, और किसी भी तरीके का जो है एनिमेशन क्रिएट कर पाएंगे। और होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।